हेलो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स समझ में आए होंगे पसंद भी कर रहे हैं आप इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूं। आज हम इसी सीरीज़ में लेक्चर 18 शुरू करते हैं लेक्चर 17 तक हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी एवेल्यूशन टेक्निक्स कौन कौन सी होती है उसका ब्रीफ किया था और उसमें हमने देखा था कि डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट कैसे होता है अब हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट तो इसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एंड अफेक्टिव टेस्ट के बारे में डिस्क आ, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आज की लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँगी अब आते हैं हम डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पे डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है डिस्क्राइब टू एलोबरेट मीन्स जो भी हम प्रोडक्ट की सेंसरी इवेल्यूशन टेक्निक्स हम जो यूज़ कर रहे हैं इसमें जो प्रोडक्ट की सेंसरी क्वालिटीज़ होती हैं हम उसको और एलेबोरेटिव फॉर्म में चेक करते हैं तो द प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट टू एलेबोरेट द परसिड सेंसरी क्वालिटीज ऑफ फूड प्रोवाइड क्वान्टिटेटिव डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन होगा वो क्वान्टिटेटिव होगा क्वान्टिटी बेस पर भी होगा आगे हम इसके देखेंगे ये थ्री बेसिकली इसके थ्री टाइप्स होते हैं सो प्रोवाइड क्वान्टिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द परसेप्शन ऑफ ग्रुप ऑफ क्वालिफाइड सब्जेक्ट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था यहाँ पर सब्जेक्ट्स का मतलब होता है पैनल मेम्बर तो यहाँ पे अगर हम जो uh, डिस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिमिनेशन टेस्ट जब हम लेते हैं तो उसमें जो पैनल मेंबर होते हैं वो क्वालिफाइड पैनल मेंबर्स जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको लिया जाता है एंड टोटल सेंसरी डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल सेंसेशंस दैट आर परसीव्ड विजुअल ऑडिटरी ऑल्फैक्ट्रिक एनिस्थेटिक एंड सो ऑन वैन द प्रोडक्ट इज इवेल्युएटेड ये जितने भी जो वर्ड्स आए हैं विजुअल मीन्स हम इसको साइट उसको देख के हम करते हैं ऑडिटरी मतलब कि जब हम कोई प्रोडक्ट खाते हैं तो उसकी आवाज़ उसकी क्रंचीनेस वो तो हम कान में उसको कैसे फील करते हैं ऑल्फेक्ट्री का मतलब होता है ऑल्फैक्ट्री नर्व्स हमारी नाक के अंदर जो हम स्मेल उसको देखते हैं काइनेस्थेटिक का मतलब जब हम उसको चबाते हैं टंग में लेते हैं तो उसका मूवमेंट कैसा है क्रिस्पीनेस वगैरह कैसी है उसके मूवमेंट से काइनेस्थेटिक का मतलब होता है मूवमेंट तो माउथ फील उससे रिलेटेड है ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सारे इसके वर्ड्स जो हैं डिस्कस कर चुके हैं तो जितने भी जो हमारे सेंसेशंस होते हैं फाइव सेंस ऑर्गन्स के द्वारा वो हम टोटल सेंसरी डिस्क्रिप्शन इस मेथड से डिस्क्रिप्टिव मेथड से हम उसको और एलोबरेटिव फॉर्म में फाइंड करते हैं एप्लीकेशन फॉर डिस्क्रिप्शन एनालिसिस कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है मॉनिटरिंग कॉम्पिटिशन जैसे कोई प्रोडक्ट हमारा मार्केट में आया और कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट आया तो हम उसमें कंपेयर करते हैं उसको चेक करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट में कहाँ कुछ लूप होल है या हम उसमें और कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं या न्यू प्रोडक्ट डेवलप करें तो उसके लिए हमको क्या क्या उसमें ज़रूरत होगी सो मॉनिटरिंग कॉम्पटिशंस स्टोरेज स्टेबिलिटी एंड शेल्फ़ लाइफ कोई एक प्रोडक्ट हमने बनाया उस प्रोडक्ट की हम टाइम टू टाइम कुछ टाइम इंटरवल पे टेस्टिंग करते हैं सपोज़ बिस्किट का प्रोडक्ट है या फिर हमने कोई चिप्स का प्रोडक्ट बनाया तो उसकी शेल्फ़ लाइफ को चेक करने के लिए या ऐसे कुछ फ्राइड प्रोडक्ट बनाए तो उसकी शेल्फ लाइफ को चेक करने के लिए वो फिफ्टीन डेज के बाद या वन मंथ के बाद एक रेगुलर इंटरवल पे उसको चेक किया जाता है उसकी स्टोरेबिलिटी के लिए एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्वालिटी कंट्रोल फिजिकल एंड केमिकल एंड सेंसरी कोरिलेशन ये डिफरेंट जो हमारे सेंसरी एट्रीब्यूट्स होते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का हम यूज़ करते हैं इसके एप्लीकेशनस हैं अब टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बेसिकली इसके थ्री टाइप्स होते हैं फ्लेवर प्रोफाइल टेक्स्चर प्रोफाइल एंड क्वान्टिटेटिव डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस फ्लेवर प्रोफाइल एंड टेक्सचर प्रोफाइल जो है ये फ्लेवर मीन्स कोई एक पर्टिकुलर एक सेंसरी एट्रीब्यूट सपोज यहाँ पे बात की गई है फ्लेवर की टेक्सचर में केवल टेक्सचर की बात की गई है यहाँ पे जो टेक्सचर प्रोफाइल जब करते हैं चेक तो हम उसको पैनल मेंबर जब इसको चेक करते हैं तो एक सब्जेक्टिव मेथड से करते हैं एक ऑब्जेक्टिव मेथड ऑब्जेक्टिव मतलब कि आप उसमें मशीन का यूज़ करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करेंगे टेक्सचर एनालाइजर जैसे होता है टेक्स्चरोमीटर का यूज़ करते हैं और, और फिर जो पैनल मेंबर है जो एक्सपर्ट पैनल मेंबर हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से क्या पाया सेंस ऑर्गन का यूज़ करके फिर मशीन का यूज़ करके उसका कंपैरिजन किया जाता है वो टेक्सचर प्रोफाइल एनालिसिस में होता है फ्लेवर प्रोफाइल में आप जैसे उसका फ्लेवर वगैरह चेक करते हैं एंड ये आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है बट जो थर्ड वाली है क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस नाम से ही समझ में आ रहा है क्वान्टिटेटिव मतलब कि हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं जो भी हमारे प्रोडक्ट या जो उस हम उसका एट्रीब्यूट निकालते हैं सेंसरी एट्रीब्यूट निकालते हैं उसको एक तरह से स्टेटिस्टिकल एनालिसिस उसकी की जाती है अब फ्लेवर प्रोफाइल यहाँ पे चूंकि हम एक्सपर्ट पैनल मेंबर लेते हैं जो फाइव टू सिक्स पैनल मेंबर्स होते हैं आपको डायग्राम में यहाँ पे दिख भी रहा होगा इमेज में सो फ्लेवर प्रोफाइल मैथड इज ऑनली फॉर्मल क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्टिव प्रोसीजर ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को वो आइडेंटिफाई करता है एंड इट इज मोस्ट वेल नोन फॉर सेंसरी टेस्ट मैथड दिस मैथड यूटिलाइज फोर टू सिक्स ट्रेन पैनलिस्ट हु फर्स्ट एग्जामिन एंड देन डिस्कस द प्रोडक्ट इन ओपन सेशन जब वो एग्जामिन करते हैं तब वो इंडिविजुअल बूथ पे करते हैं बूथ में चेक करने के बाद ये जितने भी जो एक्सपर्ट पैनल मेंबर हैं ये आपस में डिस्कस करते हैं डिस्कस करने के बाद ओपन सेशन में प्रोडक्ट को डिस्कस किया जाता है और फिर उसके बाद जो फ़ाइनलाइज रिज़ल्ट आता है वो अपने जो हेड होते हैं उनसे वो डिस्कस करने के बाद फिर उस प्रोडक्ट पे एक ब्यूरा पूरा तैयार किया जाता है कि उसमें हमको किस तरह का डेवलपमेंट करना है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए या उसमें और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट करना है या उसकी आ, कुछ और क्वालिटीज़ को क्या इम्प्रूव कर सकते हैं वो हम चेक करते हैं

आइडेंटिफाई करते हैं सो दिस मैटर्स रिप्रेजेंट एन एडवांसमेंट इन डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ये फ्लेवर प्रोफाइल की जैसे होता है बट वाइड रेंज ऑफ स्केलिंग टेक्निक्स यूज फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंसिटीज सपोज इसमें वाइड रेंज का कैसे क्या होगा जैसे कि फ्लेवर प्रोफाइल में आपका केवल एक हमने उसमें लिए लेकिन टेक्स्चर प्रोफाइल में आप क्या करते हैं टेक्चर प्रोफाइल में आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं फिर उससे आप हमारा जो जो एक्सपर्ट पैनल मेंबर है उनके रिजल्ट्स को मैच किया जाता है तो और डिफरेंट इसमें स्केलिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं देन प्रोवाइड अ रिलेशनशिप विथ इंस्ट्रूमेंट मेजर विथ इंस्ट्रूमेंट मेजरस का मतलब ये हुआ कि इंस्ट्रूमेंटल मेथड से जब हम जो भी टेक्चर निकालते हैं जो टेक्स्टर टेक्स्चर मीटर होता है और दूसरे टेक्स्चर uh, एनालाइजर होता है वो एक तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उससे पैनल मेंबर का जो रिजल्ट आता है उसको मैच किया जाता है सो प्रोवाइड अ रिलेशनशिप विथ इंस्ट्रूमेंट मेजर्स देयर इज कंसिडरेबल एप्लीकेशन टू द डायरेक्ट लिंक बिटवीन स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटल मेजर्स ऑफ द रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ये जितनी भी जो टेक्सचर प्रॉपर्टीज़ होती है वो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ अपने आप में बहुत वाइड सब्जेक्ट है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिस्पॉन्सिस ऑफ पैनल ऑफ स्पेसिफिक सेंसरी एट्रीब्यूट तो इसमें एक स्पेसिफिक सेंसरी एट्रीब्यूट लिया टेक्सचर के लिए उसके लिए पैनल का क्या रिस्पांस आया और उस प्रोडक्ट को लेके टेक्सचर एनालाइजर या मशीन या जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनका क्या रिजल्ट आया तो उसके रिस्पॉन्स को मैच कराया जाता है फॉर एग्जाम्पल टेक्स्टरोमीटर यूनिट एंड हार्डनेस हार्डनेस भी एक तरह का आपका टेक्सचर टेक्सचरल प्रॉपर्टी है सो टेक्स्ट्रोमीटर यूनिट्स एंड हार्डनेस सेंसरी रेटिंग तो ये हम इसमें एनालिसिस करते हैं हाउएवर सेपरेशन ऑफ टेक्सचर फ्रॉम अदर सेंसरी प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट सच एस कलर एरोमा टेस्ट एक्सेट्रा द टोटल परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट सेंसरी प्रॉपर्टीज मतलब इसमें यह बोला गया है कि आप केवल टेक्सचर पे ही फोकस करते हैं बाकी जो सेंसरी प्रॉपर्टीज़ है वो लिमिटेड रहती है मतलब उसको हम ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं तीसरा है क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्यू डी ए मेथड बोलते हैं वॉज डेवलप्ड विद द यूज ऑफ रेप्लीकेशन फॉर एसेसिंग सब्जेक्ट सब्जेक्ट मीन्स पैनल मैंबर एंड एट्रीब्यूट सेंसिटिविटी जो भी प्रोडक्ट है उसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सेंसरी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी सेंसिटिविटी प्रोडक्ट की सेंसिटिविटी एट्रीब्यूट सेंसिटिविटी उसको चेक किया जाता है एंड फॉर आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिफरेंसेस विथ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस तो यहाँ पे हम उसको क्वांटिफाई जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं उसकी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करके वो कितना सिग्निफिकेंट उसका इफेक्ट आ रहा है किसी एक प्रोडक्ट एट्रीब्यूट का प्रोडक्ट के किसी एक सेंसरी एट्रीब्यूट का उस प्रोडक्ट पर कितना सिग्निफिकेंट इफेक्ट है सपोज टेक्चर का हुआ या कलर का हुआ या टेस्ट या फ्लेवर वो हम इसमें चेक करते हैं अब कोई भी जो मेथड है उसको डेवलप करने के लिए बेसिक क्या कंसिड्रेशन है वो हम देखते हैं सो डेवलपमेंट ऑफ मेथड इवॉल्व फ्रॉम द नंबर ऑफ सच सचैस बी रिस्पॉन्सिव टू ऑल द सेंसरी प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट है उसमें सारे सेंसरी एट्रीब्यूट्स जैसे कि कलर टेक्स्चर फ्लेवर टेस्ट ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी तो ये सारे सेंसरी प्रॉपर्टीज हुई वो उसके लिए रिस्पॉन्सिव होना चाहिए जो मैथड है वो पूरे हमको इसमें समराइज फॉर्म में मिलना चाहिए रिलाई ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर ईच टेस्ट ये इस जो हमारा जो ये इस टाइप का जो टेस्ट है इसमें क्या होता है एक्सपर्ट पैनल मेंबर का हम यूज़ करते हैं इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स या पैनल मेंबर को यूज़ करते हैं जैसे कि फोर टू सिक्स पैनल मेंबर्स इसमें लिए जाते हैं यूज सब्जेक्ट्स क्वालिफाइड बिफोर पार्टिसिपेशन जो पैनल मेंबर्स होते हैं वो एक्सपर्ट होंगे मीन्स वो क्वालिफाइड पैनल मेंबर्स होते हैं

वो लीडर से इन्फ्लुएंस होके या उनके बॉस से इन्फ्लुएंस होके उसमें कोई रिजल्ट नहीं होना चाहिए मीन्स वो अनबाइज रिजल्ट आना चाहिए बी क्वान्टिटेटिव एंड यूज़ अ रिपीटिव ट्रायल डिज़ाइन उसको हम क्वान्टिफाई भी कर सकें और जब हम उसको रिपीटेशन में करते हैं क्योंकि ये रिप्लीकेशन में लेंगे अगर हम उसको रिप्लीकेशन में ले रहे हैं तो जो वैल्यूज़ आ रही है उनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए रिपीटेटिव ट्रायल्स डिज़ाइन हैव यूज़फुल डाटा एनालिसिस सिस्टम तो ये अगर हम डाटा को कलेक्ट करेंगे स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे तो वो डाटा एनालिसिस सिस्टम जो है वो यूजफुल डाटा एनालिसिस सिस्टम होना चाहिए अब दूसरा मेथड है इसमें अफेक्टिव टेस्ट अफेक्टिव टेस्ट जो होता है ये कंज्यूमर बेस्ड टेस्ट होता है इसका मतलब क्या है कि यहाँ कोई एक्सपर्ट पैनल मेम्बर के द्वारा ये टेस्ट नहीं ऑर्गेनाइज uh, किया जाता है इसमें जो कंज्यूमर्स होते हैं वो पैनल मैंबर होते हैं अब नॉर्मल जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं इसीलिए इसको हम अफेक्टिव टेस्ट मेथड बोलते हैं दीज टेप्स आर मोस्टली यूज टू एस्टेब्लिश द कंज़्यूमर्स एक्सेप्टेबिलिटी और प्रेफरेंस फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट थ्रू लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग एग्जाम्पल के लिए सपोज कोई करेले का चिप्स है तो कोई एक कंज्यूमर है जिसको करेला बहुत पसंद है बट कोई दूसरा कंज्यूमर इसको करेला पसंद नहीं आएगा तो वहाँ पे लाइकिंग और डिसलाइकिंग वो चेंज हो जाएगी टेस्ट को लेके क्योंकि किसी को करेले का टेस्ट पसंद है किसी को नहीं पसंद है लेकिन अगर हम करेले के चिप्स की बात करें तो हो सकता है जो उसका क्रिसपीनेस है वो किसी एक को ज़्यादा लाइकिंग होगी किसी को कम लाइकिंग होगी कलर है फ्लेवर है अरोमा है टेस्ट है टेक्स्चर है तो ये सारे सेंसरी एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ये कंज्यूमर पे बेस्ड होते हैं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पे बेस्ड होते हैं उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे बेस्ड होते हैं अफेक्टिव टेस्ट आर एम्प्लॉयड इन फूड इंडस्ट्री टू डिटरमाइन लाइकिंग एंड डिस ऑफ कंज्यूमर्स प्रिफरेंस ऑफ वन प्रोडक्ट ओवर अनदर एंड कंज्यूमर्स इंटेंशन टू यूज़ द प्रोडक्ट सपोज मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आते हैं एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं चिप्स का प्रोडक्ट ऑनियन बेस्ड चिप्स या चीज बेस्ड जो पोटैटो चिप्स आ रहे हैं लेस के जो डिफरेंट फ्लेवर्स के चिप्स होते हैं किसी को हो सकता है चीज़ फ्लेवर का चिप्स पसंद आए वो बहुत ज़्यादा लाइक करता हो और किसी को टोमेटो का फ्लेवर का चिप्स ज़्यादा पसंद होगा उसको चीज़ का कम पसंद होगा तो ये जो है जो प्रोडक्ट जब फाइनल मार्केट में आने से पहले एक तो एक्सपर्ट पैनल मेंबर पहले उसको टेस्ट करते हैं उसका प्यूरा पूरा का पूरा जो डाटा एनालिसिस किया जाता है उसके बाद कंज्यूमर्स को भी उसको टेस्ट कराया जाता है अफेक्टिव टेस्ट जो होता है वो कंज्यूमर को कंज्यूमर से भी उसको कंडक्ट कराया जाता है उससे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा तो उसमें कंज्यूमर का इंटेंशन पता चलता है दैन प्रेफरेंस कैन बी मेजर डायरेक्टली बाय कंपेरिजन ऑफ टू और मोर प्रोडक्ट्स विथ ईच अदर जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हम लेस की बात कर रहे थे लेस चिप्स जो हैं टोमेटो का है चीज़ का है ऑनियन का है सपोज ये तीन फ्लेवर हैं लेस के अब ये तीनों फ्लेवर को कंज्यूमर्स को भी जब टेस्ट कराएंगे तो उसमें देखते कि सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट कंज्यूमर को कौन सा पसंद आया टोमेटो फ्लेवर पसंद आ रहा है कि अनियन फ्लेवर पसंद आ रहा है उसके बेस पे वो मार्केट का सर्वे करते हैं उसका वो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं अफेक्टिव टेस्ट कंज्यूमर के द्वारा और फिर उसको मार्केट में प्रोडक्ट को लाया जाता है द मोस्ट कॉमनली यूज अफेक्टिव मैथड इंक्लूड पेयर्ड प्रेफरेंस रैंकिंग फॉर प्रेफरेंस एंड नाइन पॉइंट हिडोनिक स्केल जिसमें नाइन पॉइंट हिडोनिक स्केल जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर मेथड है इन पेयर्ड प्रस टेस्ट पेयर्ड का मतलब कि टू सैंपल पेयर मीन्स टू तो इसमें दो सैंपल लिए जाते हैं उसमें हम प्रेफरेंस देखते हैं कंज्यूमर उसमें उसमें कंज्यूमर को द्वारा वो प्रेफरेंस देखा जाता है कि ये दो सैंपल में वो पसंद कौन सा आएगा एग्जाम्पल के लिए टोमेटो का है और चीज़ का सैंपल है तो कौन सा कंज्यूमर सबसे ज्यादा पसंद कर रहा है किसको पहला प्रेफरेंस देगा टोमेटो को पसंद देगा या चीज़ को प्रेफरेंस देगा तो ये पेयर प्रेफरेंस होता है अ जज मे चूज वन ऑफ द सैंपल दिस टेस्ट इज क्वाइट सिंपल एंड ईजी टू परफॉर्म स्पेशली वन द डिजायरेबिलिटी ऑफ वन सैंपल इज इन रैंकिंग रैंकिंग और प्रेफर पेयर्ड प्रेफरेंस जो है थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ही होता है कि रैंकिंग में हम दो और दो से ज्यादा सैंपल्स लेते हैं सो इन रैंकिंग फॉर प्रेफरेंस द एसेसर और कंज्यूमर्स जो इसमें एस हुए इज रिक्वेस्टेड टू रैंक टू और मोर सैंपल्स फॉर बींग फेवरेट सपोज तीन सैंपल हमारे पास हैं अनियन टोमैटो एंड चीज़ का लेस के जो प्रोडक्ट हैं जो चिप्स हैं तो सपोज़ मैं अगर उसमें बोलूँगी कि टोमेटो का मैं फर्स्ट रैंकिंग देती हूँ फिर मैं चीज़ का देती हूँ और फिर मैं ऑनियन का देती हूँ ऐसे जो दूसरे कंज्यूमर होंगे उनकी रैंकिंग चेंज हो जाएगी तो ये होती है आपकी रैंकिंग मेथड इन हिडोनिक स्केल मेथड इसमें क्या होता है डिग्री ऑफ लाइकिंग फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज़ एसेस्ड यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या तो चीज़ का प्रोडक्ट होगा या अनियन लेस का होगा या फिर टोमेटो बेस्ड लेस प्रोडक्ट होंगे तो किसी एक को इसमें लेके उसके सेंसरी एट्रीब्यूट्स को जब हम टेस्ट करते हैं तो वो हिडोनिक स्केल मेथड से होता है अब इसमें एग्जाम्पल के लिए जो सेंसरी एट्रीब्यूट्स लिए जाते हैं सपोज टेक्स्चर टेस्ट फ्लेवर ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी कलर तो ये सारे सेंसरी एट्रीब्यूट्स किसी एक प्रोडक्ट को लेके होंगे और इसमें आपका सेवन पॉइंट एंड नाइन पॉइंट होता है तो जिसमें नाइन पॉइंट हिडोनिक स्केल जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज मेथड होती है अब नाइन पॉइंट में एग्जाम्पल के लिए नाइन पॉइंट क्यों बोलते हैं इसमें नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ये देखिए इसमें आपका जो हिडोनिक स्केल है ये नाइन पॉइंट हिडोनिक स्केल है यहाँ पे वन टू नाइन तक रैंकिंग है जैसे अगर किसी ने प्रोडक्ट में कोई एक एट्रीब्यूट ले लिया एग्जाम्पल के लिए कलर किसी एक ही प्रोडक्ट को हम चूज करते हैं हिडोनिक स्केल मेथड में इसी एक प्रोडक्ट में डिफरेंट सेंसरी एटीट्यूड्स सपोज पहला हमने लिया कलर तो कलर में एग्जाम्पल के लिए जो अगर हमने वो प्रोडक्ट देखा तो वो प्रोडक्ट में हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन डार्क ब्राउन हो गया है तो उसमें हो सकता है कोई इसको फोर नंबर देगा मीन्स डिसलाइक स्लाइटली कोई इसको देगा डिसलाइक एक्सट्रीमली केवल पर्टिकुलर कलर के लिए ऐसे ही अगर हम बात करें फ्लेवर तो फ्लेवर के लिए किसी को हो सकता है उसको वो लाइक like स्लाइटली तो वो सिक्स नंबर देगा या किसी को उस प्रोडक्ट का फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है like तो वो लाइक एक्सट्रीमली तो वो नाइन पॉइंट देगा ऐसे नंबर ऑफ पैनल मेंबर्स जब लिए जाते हैं हिडोनिक स्केल में तो वो कोई आठ नौ पैनल मेंबर नहीं लेते उसमें जो बल्क में पैनल मेंबर्स जो कंज्यूमर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेते हैं ये हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था जैसे मोर देन ट्वेंटी थर्टी ऐसे पैनलिस्ट इसमें सिलेक्ट करते हैं एज जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एज अ पैनलिस्ट इसमें सेलेक्ट किया जाता है तो अब इन सब का डाटा कलेक्ट करते हैं कंज्यूमर्स का डाटा कलेक्ट करने के बाद उनका एक एक सेंसरी एट्रीब्यूट्स को लेके उसके बाद फिर हम इसकी एनालिसिस करते हैं फिर देखते हैं कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट हमारा बेस्ट होगा सो द नाइन पॉइंट हिडोनिक स्केल हैज़ बीन यूजेंट एक्सटेंसिवली

मतलब ऐसा नहीं है कि सेम पैनल मेंबर पहले सेम प्रोडक्ट के लिए इसमें क्योंकि रिप्लीकेशन में होता है जैसे वो और वो जो जो भी हम सैंपल रखते हैं सामने पैनल मेंबर्स के कंज्यूमर्स के वो हाइड करके उसकी कोडिंग करके रखते हैं वो भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि सैंपल जो सैंपल है वो सैंपल का बेस क्या है उसके क्या इंग्रेडिएंट है कुछ भी हम कंज्यूमर्स को नहीं बताते हैं या एक्सपर्ट पैनल मेंबर्स को भी नहीं बताया जाता उसकी कोडिंग की जाती है ताकि जो रिजल्ट है वो अनबाइस्ड रिजल्ट आए तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आ रहा है वो रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट आना चाहिए दिस सेंसरी टेस्ट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज दैट हैज मेजर रोल टू प्ले इन डेवलपमेंट ऑफ सक्सेसफुल प्रोडक्ट तो अगर पैनल मेंबर्स कंज्यूमर्स के द्वारा वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लाइकिंग में आता है इसका मतलब कि वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा तब फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है सो थैंक यू गाइस आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा अगर आपको ये पसंद आया है लेक्चर प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें थैंक यू सो मच आज हमारे ये तीनों मैथड सेंसरी इवोल्यूशन टेक्निक्स की मेथड्स जो है वो कवर हो चुकी हैं थैंक यू